हेलो फ्रेंड्स, पूजाज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज का जो डिश है वो है टेस्टीएस्ट चिकन मसाला। ऐसा चिकन जो आपने कभी नहीं खाया होगा, आप एक बार बना कर देखिए इसको। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। इसमें 8 मीडियम साइज के प्याज स्लाइसेस में काट लिए हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 बड़े साइज का टमाटर लिया है। और इसको पकाने के लिए सरसों का तेल कच्ची घनी, ये धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, ये लाल मिर्च का पाउडर तीखेपन के लिए, कश्मीरी मिर्च का पाउडर रंग के लिए, और हल्दी भी रंग के लिए, नमक स्वाद अनुसार। ये एवरेस्ट का मैंने शाही गरम मसाला लिया है, और ये मीट मसाला। खड़े मसालों में मैं लूँगी तेज़पत्ता, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी, सूखी मिर्च और हरी मिर्च। अब ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसमें मैंने जीरा, धनिया, कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च, हल्दी डालकर पानी के साथ घोल लूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिले। थोड़ा पानी कम लग रहा था मुझे तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह की कंसिस्टेंसी में बनाती हूँ। अब एक कढ़ाई को गरम करके उसमें 2 टेबल स्पून या फिर ज़रूरत के हिसाब से जितना तेल लगे आप डालिए, उसको गरम कीजिए। उसमें जीरा और जितने जो खड़े मसाले थे, मिर्ची, लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, सभी को मैंने डाल दिया। थोड़ा सा भून लूँगी, उसके बाद उसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए भून लेना है, और भूनते भूनते ही प्याज को एकदम गला देना है। देखिए हमारा प्याज कितना गल गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि प्याज को गलने में हेल्प हो, जल्दी से गल जाए। और देखिए प्याज हमारा अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैंने 8 लहसुन की कलियों को क्रश कर लिया है, उसे डाल दूँगी। डालने के बाद उसे 2 मिनट के लिए ढक के फिर से थोड़ा सा भून लूँगी। ये मीडियम फ्लेम पे ही करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है, जल जाएगा। देखिए प्याज और जो लहसुन डाला था हमने वो सब अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैं जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट मसालों के साथ जो बनाया था वो डाल दूँगी।
उसको भी अच्छे से भूनना है, मीडियम फ्लेम पर ही थोड़ी देर के लिए भूनना है, जब तक का उसमें से तेल ना छोड़ने लगे। ये मैंने जो मीट मसाला था वो पूरा सैसे डाल दिया, छोटा वाला सैसे, और अब ये जो टमाटर था उसका मैंने प्यूरी बना लिया मिक्सर ग्राइंडर में और उसे भी डाल दिया। अब इसको भी, टमाटर को भी अच्छे से पका लेना है भूनते हुए मीडियम फ्लेम पर ही, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ढक ढक कर इसको भी भून लेंगे अच्छा से। मसाले अच्छे से भूनेंगे तो डेफिनेटली जो चिकन का जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा ही। ये देखिए हमारा जो मसाला है, टमाटर जो भी डाला था मैंने, वो सब अच्छे से भून गया है, तेल छोड़ दिया है हमारा हमारे मसाले ने। अब इनमें मैं चिकन पीसेस को डाल दूँगी मसालों में, और उसके ऊपर से जो शाही गरम मसाला था वो 1/4 टीस्पून डाल दूँगी, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके पहले भी प्याज में मैंने थोड़ा सा तेल डाला था, सॉरी नमक, उसी के हिसाब से डालना है। चिकन को अच्छी तरह मीडियम फ्लेम पर ही बार बार चलाते हुए ढक ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पर बार बार चलाना है, और ढक ढक कर ही इसकी भुनाई अच्छे से करनी है। ये देखिए हमारा मसाला जो है और चिकन भी अच्छी तरह से भून गया है। वैसे ही आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज़रूरत समझे तो थोड़ा सा पानी डालकर ग्रेवी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला है। और जो कासा कासा जो है वैसा भी सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटी के साथ या फिर चावल के साथ, अच्छा टेस्ट करता है गर्म गर्म। ये रही हमारी चिकन मसालेदार, टेस्टीस्ट चिकन मसालेदार तैयार गर्मा गर्म सर्व करने के।